नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वेगास न्यूज नेटवर्क पर। देश विदेश की ताजा जानकारी पाने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये जानकारी सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन को हिट कीजिए। शिक्षाविद और वैज्ञानिक डॉ भरत राज सिंह लखनऊ के ज्ञान को अमेरिका तक पहुँचा रहे हैं। डॉ सिंह के आर्टिकल को यूएस की स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। पर्यावरण पर उनके आर्टिकल को एक चैप्टर के रूप में कक्षा 9-12 के छात्रों के लिए लागू पुस्तक द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर कैन नॉट बी रिवर्स्ड विद ग्लोबल वार्मिंग में शामिल कर पढ़ाया जा रहा है। हवा से चलने वाली बाइक बनाने के इनोवेशन से चर्चा में आए डॉ सिंह वर्तमान में स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज लखनऊ के निदेशक हैं। HBTI कानपुर के फैकल्टी रहे प्रो आकार सिंह के साथ उन्होंने कैन ग्लेशियर एंड आइस मेल्ट बी रिवर्स्ड किताब लिखी थी। इस किताब में शामिल आर्टिकल को ही द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर कैन नॉट बी रिवर्स्ड विद ग्लोबल वार्मिंग में शामिल किया गया है। इस पुस्तक को पहले ही लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड 2015 में शामिल किया जा चुका है। अपने काम के लिए उन्हें कई अवार्ड भी मिल चुके हैं। पर्यावरण को लेकर डॉ सिंह हमेशा काम करते रहते हैं। यही वजह रही कि उन्होंने पेट्रोल की जगह हवा से चलने वाली बाइक बनाई। इस तकनीक को वह लगातार बेहतर बना रहे हैं। इसके अलावा पॉलिथीन कैरी बैग के उपयोग को बंद करने के लिए उनका प्रयास लगातार चल रहा है। वह खुद अपने खर्च पर जूट के बैग बनवाते हैं। इसके बाद इन्हें लोगों को बांटकर वह पॉलीथिन जैसी खतरनाक समस्या को पैदा होने से रोकने का प्रयास कर रहे हैं। सैकड़ों लोगों को वह अब तक अपने जूट के बैग बांट चुके हैं। सौर ऊर्जा के उपयोग पर भी उन्होंने काम शुरू किया। उनका कहना है कि दूसरों को समझाने से बेहतर था कि पहले खुद इसका शुरू किया जाए। इसके लिए अपने विरामखंड स्थित घर की छत पर ही सोलर पैनल लगवाए। अपने घर की जरूरत पूरी करने के लिए 5 किलोवाट क्षमता का प्लांट लगाया। अब दूसरे लोगों को अपने प्लांट के फायदे बताकर उन्हें भी इसका उपयोग करने के लिए जागरूक कर रहे हैं। डॉ सिंह का कहना है कि रामायण काल में पाताल लोक का जिक्र है। हालिया शोध से यह पता चला है कि यह केवल कल्पना नहीं है, इसके पीछे कुछ तो सच्चाई है। मध्य अमेरिका के होंडुरस में एक गुप्त प्राचीन शहर की खोज हुई है। लिडार तकनीक से इस शहर से यूदाद ब्लांका की खोज हुई है। यहाँ हनुमान के जैसे वानर देवता की मूर्तियां भी मिली हैं। इतिहासकारों का भी आकलन है कि यहाँ के लोग किसी विशालकाय वानर देवता की प्रार्थना किया करते थे। यहाँ घुटनों के बल बैठी हुई मूर्ति हनुमान की याद दिलाती है। तो दोस्तों, ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।